हेलो फ्रेंड्स, आज टेलिश किचनेट में मैं एक हेल्दी सैलेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे हम बुद्धा बोल कहते हैं। बुद्धा बोल एक कंप्लीट वेजिटेरियन मील होता है जिसको हम सिंगल बोल या फिर एक ही बोल में सर्व करते हैं, जिसमें होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, ड्रेसिंग और नट्स या सीड्स का पोर्शन होता है। तो आज मैं यहाँ प्रोटीन पैक्ड बुद्धा बोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें हाई प्रोटीन है अलॉन्ग विद बहुत सारी कलरफुल वेजीज हैं, नट्स हैं। आई रियली होप कि आपको ये कंप्लीट मील सैलेड की रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले होल ग्रेन्स का प्रेप करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैन लेना होगा। पैन में 2 कप पानी डाल दीजिए। पानी के अंदर आप 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल या किसी भी प्रकार का ऑयल ले सकते हैं। इसको मिक्स कर लीजिए। उसमें 1/2 टीस्पून या अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। फिर हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, इसको भी मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब पानी में उबाल आ जाए उसके बाद आप 1 कप किनुआ डाल दीजिए। कीनवा को अच्छे से वॉश धो के डालिएगा। अच्छा, अगर कीनवा अवेलेबल ना हो तो उस केस में आप दलिया या फिर बकवीट, जो कि मेडिटेरियन ग्रेन होता है, वो भी डाल सकते हैं। आगे कीनवा को तब तक पकाना है जब तक वो सॉफ्ट या फ्लफी ना हो जाए। इस प्रोसेस में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। बुद्धा बोल के दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं जो कि है प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन में ऑयल डाल के उसमें छोले या उबले हुए चना आप 1/2 कप डाल दीजिए। 1/2 कप राजमा या रेड किडनी बीन्स बॉइल्ड एंड सॉल्टेड दोनों डाल दीजिए। इसको हम रोस्ट करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे, कटा हुआ धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए। इसको कुक करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस या लाइम जूस डालेंगे। इसको कुक करेंगे अच्छे से। इसके बाद हम पैन लेंगे और पैन में पिंच भर हींग डालेंगे ऑयल में। उसके बाद हम 1 पिंच या 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चुटकी कोई भी करी का पाउडर या कबाब मसाला, गरम मसाला आप डाल सकते हैं। चुटकी भर नमक डालेंगे। इन सबको मिक्स करके इसमें हम दूसरा फॉर्म ऑफ प्रोटीन डालेंगे जो कि है टोफू। अगर टोफू प्रेजेंट ना हो तो आप पनीर डाल सकते हैं जो कि अगेन एक फॉर्म है प्रोटीन का। इस सब को हम शैलो फ्राई करेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सो हमारा फ्राइड पनीर या फ्राइड टोफू रेडी है। चलिए बुद्धा बोल का अब नेक्स्ट पार्ट है वेजिटेबल या ग्रीन्स वाला। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेजिटेबल्स पार्ट। सबसे पहले हम मिक्स्ड कलर की शिमला मिर्च ले लेंगे, रेड, येलो, ग्रीन, जैसे भी हो। 1/2 कप इसको उसी पैन में डाल दीजिए और इसको 1 पिंच भर नमक डाल के उसको सौते कर लीजिए। शिमला मिर्च को तब तक आपको स्टर फ्राई करना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती है। अब आगे हम ग्रीन्स पे आ जाते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले लेटस या सलाद वाला पत्ता ले रही हूँ। इसके ऊपरी वाले भाग को काटने के बाद आप इसको बाइट साइज पोर्शन में छोटा छोटा चॉप कर लीजिए। चलिए हम बुद्धा बोल के लास्ट स्टेप पर पहुंच गए हैं। अब हम जितना भी हमने प्रोटीन पार्ट, वेजी पार्ट, ग्रेन्स पार्ट जो भी बनाया है, उस सबको अब असेंबल करना है एक बोल में। तो सबसे पहले हम प्रोटीन पार्ट लेंगे जिसमें हमने बीन्स का मिक्सचर बनाया था, छोले और राजमा का। उसको आप अपने पोर्शन के हिसाब से एक सैलेड बोल में डाल लीजिए। देखिए कितना यमी कलरफुल लग रहा है। इसके बाद हम ग्रीन्स पोर्शन डालेंगे जो कि हमने सलाद पत्ता लिया था, उसको आप काट के बोल में डाल दीजिए। आगे हम ग्रीन्स में इसको और प्रोटीन रिच बनाने के लिए हम इसमें ग्रीन या फिर हरी मूंग की अंकुरित दाल डालेंगे। इसके बाद हम कीनवा डालेंगे जो कि हमारा होल ग्रेन्स का पार्ट है। इसके बाद हम इसमें सौते किया हुआ हरी पीली लाल शिमला मिर्च डालनी है। और इसके बाद अगर आपको कैरेट्स पसंद है या फिर गाजर पसंद है तो आप गाजर डाल सकते हैं। आगे मैंने इसमें कुछ चेरी टोमेटोस या छोटे वाले टमाटर जो आते हैं
डाला है सैलेड बॉल में। चलिए आगे हम ड्रेसिंग की प्रिपरेशन करते हैं। ड्रेसिंग की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप 1/4 कप ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। उसके अंदर 1/4 कप नींबू का रस डाल दीजिए। इसके बाद आपको 2 टेबलस्पून तहीनी का सॉस डालना है। अगर तहीनी सॉस नहीं मिलता है तो आप हमस भी डाल सकते हैं। इसके बाद 2 टेबलस्पून डिल लीव्स, या फिर हम इसको सोया के पत्ते भी कहते हैं, उसको चॉप करके डालना है। इसके बाद नमक स्वादानुसार डाल लीजिए, काली मिर्च का पाउडर स्वादानुसार। क्योंकि अगर आपको तहीनी सॉस या तहीनी पेस्ट, हमस कुछ भी नहीं मिलता है तो आप इसके बिना भी ड्रेसिंग बना सकते हैं। नींबू, ऑलिव ऑयल, ये सब अपने आप में एक बहुत अच्छी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। और ये सारी ड्रेसिंग को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो चलिए अब सैलेड के लास्ट कंपोनेंट पे आते हैं, जो कि है नट्स। यहाँ मैं अपने फैमिली के चॉइस के अनुसार अखरोट डाल, उसके ऊपर आप ड्रेसिंग जो भी हमने बनाई है वो ड्रिजल करके डालिए, और हमारा प्रोटीन पैक्ड बुद्धा बोल रेडी है। अब आप यहाँ देखिए हमने प्रोटीन रिच कितना सारा सामान इस्तेमाल किया है, जैसे बीन्स, अंकुरित मूंग, कीनवा। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी को अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय एवरीवन।